ट्रांस हार्बर लिंक विच इज ऑल्सो नेम्ड एज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक विच इज ऑल्सो नोन एज सेवरी नाभा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक एंड ऑफिशियली इन इट इज नोन एज अटल सेतु. नाउ दिस इज 21 किलोमीटर लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया. इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया एंड 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द वर्ल्ड. चलिए एक बेसिक सा जानकारी दे देता हूँ, इसका कनेक्टिविटी का जानकारी बेसिक. मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये जो दो पोर्ट्स हैं सी के जो पोर्ट्स हैं, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. मुंबई पोर्ट और इसके बीच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई में है उसके बीच कनेक्टिविटी होगी. मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी ईजी होगी. और जो मुंबई साइड में ये ईस्टर्न फ्रीवे को कनेक्ट करेगा, ईस्टर्न फ्रीवे जो है कोस्टल रोड कनेक्ट करेगा, कोस्टल रोड जो है वर्ली शिवरी कनेक्टर को कनेक्ट करेगा. तो ये बहुत ही लंबा इंटरचेंज है. अब इसे क्या हुआ कि जो जेएनपीटी पोर्ट की और मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी आसान हो गई है, और साथ ही साथ जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. तो चलिए ब्रिज को एंजॉय करते हैं. ये देखिए, यहां से शुरुआत होता है थाने क्रिक का स्पैन. ये देखिए, हाँ फोटोज क्लिक करने के लिए. चलिए अब आप अटल सेतु का नजारा एंजॉय कीजिए. आराम चल रहे हैं. अब बेसिकली ये तो ट्रान ये थाने क्रिक के स्पैन को तो पार करेगा, लेकिन एक चीज मैं आपको ज्योग्राफिकली फैक्ट बता दूं कि ये जो क्रिक है ये उसी जगह पे बना है जहां पे थाने क्रिक जो है ये अरेबियन सी को जाके मिलता है. ये उसी पॉइंट पे बिल्कुल बना हुआ है जहां पे थाने क्रिक जो है अरेबियन सी को जाके मिलता है. दोस्तों वो जो आपको सामने दिख रहा है ये एक मिनट में आपको जूम करके दिखाता हूं. अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसको, ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. प्रॉपर आपको विजिबल हो पाएगा. ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है. और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज दिखा दूं. दोस्तों आप सामने एक आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा सामने, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ और नहीं, ये है एलिफेंटा आइलैंड्स. आप सामने से देख पा रहे हैं इसके, देखिए ये रहा एलिफेंटा आइलैंड्स. यस, यही एलिफेंटा आइलैंड्स है. और जस्ट उधर आपको दिख रहा है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट.
जेनपीटी पोर्ट वो है और यहाँ पे है एलिफेंटा आइलैंड्स। क्या नजारा है, वाओ। और जस्ट इसी साइड पे अब देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो स्पैन जो बना हुआ, आप क्रिक के मतलब एलिफेंटा आइलैंड और पोर्ट के बीच का स्पैन देखिए, वही स्पैन है जहां पे ये जो थाने क्रिक है ये अरेबियन सी को जाके मिल रहा है, यही स्पैन है। देखिए इसी स्पैन पे जो है अब आप सामने देख पा रहे हैं कि थाने क्रिक अरेबियन सी को मिल रहा है, सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए। एक साथ आपको यहाँ पे तीन तीन चीज आपको नजर आ गया, पहला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दूसरा एलिफेंटा आइलैंड्स और तीसरा जहां पे कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस है अरेबियन सी का और थाने क्रिक का। आई होप आप अटल सेतु का नजारा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए ये देखिए, देखो ये देखिए, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड दोनों नजदीक से देखिए, जेएनपीटी पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड्स, आप दोनों को नजदीक से देख सकते हैं। वाओ अमेजिंग। यानी ये फोटो क्लिक करे भगा रहा है, एलिफेंटा आइलैंड का ही बहुत अच्छा है, सामने से देख पा रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड को।
सीधा चलना है सीधा एरोप्लेन के लिए लगाया है वापस दिखाया क्या क्या पता देखते चलिए ओके आपने जेएनपीटी देख लिया मुंबई पोर्ट भी देख लीजिए ये देखिए मुंबई पोर्ट देखिए दोस्तों ये रहा मुंबई पोर्ट ये इधर का स्पैन है आगे और स्पैन है उसका फिलहाल यहां जो स्पैन है मैं आपको दिखा रहा हूं बाकी स्पैन उधर उस साइड पे है चुका है ईस्टर्न फ्रीवे इन 400 मीटर्स मर्ज विद ईस्टर्न फ्रीवे वेलकम टू द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई फ्रीवे आ गया हां मर्ज कर जाएगा इसमें हां हो गया मर्ज हो गया फ्रीवे हां हो गया बस सीधा ना हां हां सीधा नीचे जाएंगे तो वडाला उतर जाएंगे भारत की आर्थिक राजधानी का नजारा जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र